अरे भाई गिया गिया टायर गिया अब फंस चुके हैं भाई। इतना जोर पानी हो रहा है, भींग के राइड करने का प्लान है। आ जाओ, सही में सुपरमैन लग रहा है। तो गाइस यहां चेक करो भाई किसके अंदर डूबा हुआ है। सुजल का डेड बॉडी यहां गिरा हुआ है, देखते हैं भाई। अरे भाई इतना डीप है भाई। अभी कुछ देर पहले मेरा एसडी कार्ड भुला गया, पता नहीं भाई अपने साथ क्या ही हो रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ एमटीवी जैद। सो गाइस आज हम लोगों का जो व्लॉग स्टार्टिंग है वो चलते चलते ही हो रहा है। बात कुछ ऐसा है क्योंकि भाई देखो आस्ते आस्ते बारिश भी हो रहा है और जल्दी भी जाना था, बट अब लग रहा है ओवरब्रिज का प्लान कैंसिल होगा। और ये रहा आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़, GoPro अपना हेलमेट पे हो चुका है सेटअप फाइनली। तो चलिए आप लोगों को बाकी मिलते हैं GoPro सेटअप पे। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़, GoPro अपना हेलमेट पे हो चुका है सेटअप फाइनली। निकल चुके थे बट यार देखो पूरा बारिश हो रहा है भाई। अब भाई पता नहीं भाई ओवरब्रिज तक हम लोग पहुँच पाएंगे या नहीं। अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग कहीं रुक जाएंगे और फिर चलेंगे। और बताना कि GoPro का क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो चलिए आप लोगों से आगे मिलते हैं। तो भाई यहाँ फंस चुके हैं भाई, इतना ज़ोर पानी हो रहा है और भाई यहाँ फंस चुके हैं। और भाई GoPro भी लग रहा है भींग गया है, तो पता नहीं कैसा क्वालिटी आ रहा है। और भाई यहाँ साइकिल अपना भींग रहा है भाई, ऑयलिंग वॉयलिंग करना पड़ेगा नहीं तो साइकिल जाएगा अपना। भाई वहाँ से तो निकल चुके हैं, बारिश थोड़ा हल्का हुआ है बट बारिश रुका नहीं है। तो भाई देखते भाई, इमरान भाई को फ़ोन किए थे तो वो बोले कि भाई भींग के राइड करने का प्लान है, आ जाओ। तो देखते हैं भाई क्या होता है, भाई बारिश रुक जाए बस और ज़ोर ना हो जाए। तो चलिए आप लोगों से आगे ही मिलते हैं। रोड में तुमको चलाने का आदत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से पार करो। चल ध्यान से। तो गाइस फिर से पानी आ चुका है भाई, वैसे ही पानी आ चुका है फिर से भाई। भींग के राइड करना पड़ेगा लग रहा है। तो देखो भाई आप लोगों के लिए भींग के भी राइड कर रहे हैं और व्लॉग ला रहे हैं समय पर। तो भाई इसी बात पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। देखो इतना मतलब पानी हो रहा है फिर भी मैं जा रहा हूँ अभी भी ओवरब्रिज। मैं चाहता था वहाँ से घर चले जाता बट फिर भी ओवरब्रिज जा रहा हूँ। तो आप लोग इसी के लिए भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं रेलवे क्रॉसिंग में। तो गाइस फाइनली भाई क्रॉस तो कर ही लिए बट यार पूरा पानी हो रहा है और अभी रेलवे क्रॉसिंग कर रहे हैं भाई हम लोग। और GoPro का पता नहीं भाई, अगर पानी लगा होगा तो भाई एकदम धुंधला धुंधला आप लोगों को नज़र आता होगा भाई। हमारा तो यहाँ हालत ही ख़राब हो गया है भाई। भाई एक घंटा जानते हो सिर्फ बर्बाद हुआ है आने में भाई। आवाज़ कैसा कर रहा है भाई देख, एक घंटा सिर्फ बर्बाद हो गया है आने में। अभी बज रहा है आपका 6 बज रहा है और भाई अभी तक ओवर ब्रिज में नहीं पहुँचा हूँ। 4:30 बजे निकला था, ये तो ऐसे आ गए ओवर ब्रिज। देखते भाई ट्रक के नीचे ढुकना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। ये चेक करो सामने इमरान भाई और समीर भाई और सब कोई है भाई, सब ट्रक के नीचे ढुका हुआ है। वही हम लोगों को भी करना होगा, ट्रक के नीचे ढुकना होगा। चलिए ढुकिए ट्रक के नीचे। हाँ टी शर्ट तो बहुत गंदा हो गया होगा पता है। सो गाइस यहाँ चेक करो भाई किसके अंदर ढुका हुआ है, आवाज पूरा गूंज रहा है भाई। और पाइप है बहुत बड़ा सा, एक पाइप है। आजा भाई तुम भी आजा भाई, भाई भींग गए भाई, पूरा भींग गए यार। सो गाइस इसका हाथ चेक करो भाई, समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं मालूम भाई, पूरा हाथ मतलब बूढ़ा कचरा हो गया। इतना समय इसका हाथ ऐसा हो गया भाई। अब फाइनली पानी रुका है, इतना देर बाद जाके भाई। अभी मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कैमरा वगैरह सेटअप करूँगा मतलब ऐसा पानी के लिए भाई, बट अभी रुक गया। सही में सुपरमैन लग रहा है। ये चेक करो भाई, मार भाई का व्हीली। ओ भाई ओवर ब्रिज पूरा खाली खाली है भाई, पानी हो रहा है ना तो सब खाली खाली है भाई। ये चेक करो भाई, सुजल का गियर सही हो चुका है। और भाई चेक करो सुजल का डेड बॉडी यहाँ गिरा हुआ है, देखते हैं भाई। भाई भाई गलत सीन होने वाला है भाई साहब, पूरा नीचे भी कादा कादा हो गया भाई। भाई चक्का उक्का सब टाल है, बिगड़ जाएगा। तुम काशी का इंतजार कर, तुमको कई बार बोल चुके हैं बनवा लो उसको। ये बोला कि वेल्डिंग कराएंगे, वेल्डिंग मत करो, कम से कम 5 साल उसको चलाएंगे, ऐसे बोला। सस्पेंशन वेल्डिंग करवाएगा, वेल्डिंग सही नहीं रहेगा, कभी भी उखड़ जाएगा। तो फिर से गिरी, चोट लग गया,
चोट लग गया क्या? एक्टिंग है लग गया। बारिश बहुत तेज आ रहा है भाई, फिर से बता रहे। पुट्टू भाई का नाम हम इतना बदनाम कर दिए, उन लोग को डर लग रहा है। बोला देखना भाई कहीं पीछे से आके उड़ा उड़ा नहीं तो। भाई बहुत डर लगता है। हम मेरा साइकिल चलाने वाले थे, हम बोले भाई हम आपको बहुत बड़ा फैन है भाई, मत चलाइए मेरा साइकिल। आओ आओ भाई, पानी में वीली भाई, इतना पानी भरा हुआ यहाँ वीली। अरे भाई इतना डीप है भाई, इतना पानी भर गया भाई, पूरा ओवर ब्रिज का पानी यहीं भरा है लग रहा है। ये चेक करो भाई, सब कबीली भाई पानी में। अरे भाई क्या कर रहा है? चचा गया भाई, चचा बोले। अरे भाई पूरा पैर में, अरे भाई गया टायर गया अब भाई साहब। ओ भाई अंकल भाई, ये खतरनाक चीज होने वाला फैट बाइक सब। ओ भाई क्रैश हो गया, क्रैश गाड़ी आ रहा है भाई, गाड़ी आ रहा है भाई, उड़ जाओ भाई। जेसीबी है कि ट्रक है? जेसीबी। ओ भाई सस्पेंशन लॉक था भाई, उसी में वीली हो गया। सस्पेंशन लॉक था, जानता है ऐसे वीली नहीं करना होगा, नहीं तो मेरा सस्पेंशन जाएगा भाई। लॉक था, उसी में वीली मार दी है भाई। वहाँ से निकल चुके थे, ओवरब्रिज से निकल गए और भाई अभी अब लोग जा रहे हैं आसनसोल की तरफ। और भाई आज पहला बार राइड किया है तो भाई कैसा लगा भाई राइड करके पहला बार? मज़ा आया ना? हाँ भाई कल तो चलना है राइड में तो ठीक। तो गाइस भाई पानी वानी सब लेके आया था ताकि मतलब थकान हो तो पी ले। तो हाँ भाई मेरे को भी पहले ऐसे ही लगता था भाई, ज़्यादा थकान लगता था जब साइकिल चलाता था स्टार्टिंग में। तो भाई आज फिर से फंस गए थे यार, ये तो अच्छा हुआ कि भाई लाइट ले आया था। मेरा साइकिल हल्का है, उठा के पार कर लो। शॉर्ट करना मैं भूल गया भाई, अभी लस्सी वगैरह पिए हम अरफात और आयान, जो एक और नया बंदा आया है। तो हम लोग अभी लस्सी वगैरह पिए तो अब उसको ठीक लग रहा है। बट भाई उसको मतलब उसके लिए हम लोग स्पेशली रुके क्योंकि भाई देखो वो अभी नया राइडर है ना, तो भाई उसको मतलब इसीलिए उसको मतलब सांस फूल रहा है रास्ता में, तो इसीलिए तो थोड़ा सा लस्सी पिला दिए ताकि थोड़ा उसको सही फील हो। सो गाइस अभी फ़िलहाल सीन कुछ ऐसा है कि मैं घर आ चुका हूँ और भाई अभी कुछ देर पहले मेरा एसडी कार्ड भुला गया, पता नहीं भाई अपने साथ क्या ही हो रहा है। और भाई मैं गया था अभी थोड़ी देर पहले शॉप में लेने के लिए एसडी कार्ड, तो उसमें छोटा मोटा मैं उसमें भी फुटेज वगैरह निकाला हूँ, मतलब फुटेज वगैरह गोप्रो से शूट किया हूँ, तो आप लोग वो सब देख लो, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। अपना एसडी कार्ड कैसे भुलाया बताऊँ तो भाई मेरा एसडी कार्ड मैं जब निकाला तो हाथ से गिर गया और फिर पता नहीं कहाँ गिर गया। तो भाई यार किस्मत भाई क्या बताए आप लोगों को, अब छोड़ो हटाओ, जो होता है भाई अच्छे के लिए ही होता है, तो चलो आप लोग देख लो। सो गाइस निकल चुके हैं अपना नया एचडी कार्ड लेने। अभी जो मैं चला रहा हूँ वो एक लो हैंडेड 16 GB का एचडी कार्ड है, बट मेरे को लेना है 64 GB का एचडी कार्ड। तो आप लोग उसे डायरेक्ट मिलते हैं शॉप पे। और गाइस बताओ ना तो मेरा एक दिन का पूरा भाई जितना भी फुटेज था सब मतलब बेकार हो गया, एक दिन का ब्लॉग मेरा एकदम बेकार हो गया है, क्योंकि मेरा वो पुराने वाला एसडी कार्ड ही में था पूरा जो भी फुटेज था, बट वो पुराना वाला एसडी कार्ड नहीं मिल रहा है तो फुटेज भी सब गया भाई। अब एक दिन ब्लॉग शायद से लेट आ सकता है या फिर शायद आ जाए टाइम पे, कोशिश करूँगा टाइम पे अपलोड कर देने का। सो गाइस फाइनली घर आ चुके थे और भाई आप अभी सोचते होंगे कि मैं आप लोगों को दिखाया क्यों नहीं, मतलब कुछ भी मैं नहीं दिखाया था उसके बाद, ना ही मतलब शॉप में जो गए वो दिखाया, ना ही एसडी कार्ड लिए तो क्या भाई, नहीं लिए एसडी कार्ड क्यों नहीं लिए बताता हूँ। तो भाई देखो जो मेरे को चाहिए ना वो वाला है थोड़ा महंगा वाला, क्योंकि गोप्रो में अगर आप सस्ता वाला यूज़
यूज़ करते हो तो GoPro आपको ओवर हीटिंग करेगा और बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोच के यही गया था कि मैं महंगाई वाला लूँगा, क्योंकि भाई सस्ता वाला नहीं चलता है, GoPro में बहुत हीट करता है। मैं एक बार यूज़ करके, अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो सस्ता ही वाला है, GoPro बहुत जल्दी हीट कर रहा है, बस 2 मिनट के वीडियो में बहुत ज़्यादा हीट कर जा रहा है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि मतलब ये इसमें नहीं चलेगा। और जहाँ पर मैं गया था, जो जो शॉप में गया था, जो जो क्या बोलूँ, जहाँ पर मतलब मेरे घर के सामने जितने शॉप थे सब में देख लिया, सब में सस्ते वाले ही थे अवेलेबल, महंगे वाले अवेलेबल नहीं थे। तो फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया कि ऑनलाइन इसके क्या प्राइजेस चल रहे और क्या डिलीवरी डेट मिलता है मेरे को। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ऑर्डर किया, वो बता दूँ कब तक आएगा, तो कल तक आ जाएगा अपना, क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी डेट कल तक दिया हुआ है। फाइनली बस आ जाए यार, होप करता हूँ कि अपना SD कार्ड आ जाए। इससे अगर मैं इसको ला के चलाऊँगा तो बैटरी बैकअप मेरे को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का मिल रहा है, 15 मिनट में क्या ही होगा। तो गाइज़ आप लोग देखना ये नेक्स्ट ब्लॉग में कि मेरा SD कार्ड जो आया तो SD कार्ड सही आया या नहीं, कितने दिन में आया और कैसा SD कार्ड है और क्या इसका प्राइसिंग है, सब मैं बताऊंगा। आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।